बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों कुछ नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। आज की हमारी जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बच्चों आज मैंने टॉपिक लिया है संघनन अभिक्रिया। बच्चों संघनन अभिक्रिया सामान्यतः एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और काफी बार आप देखते हैं इससे कोरिलेट करके जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी नीट या जेई में भी आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे। तो बच्चों इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए कि केवल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं अपितु ये क्लास जो है वो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बच्चों संघनन अभिक्रिया क्या होती है इसके संदर्भ में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दो उदाहरण लूंगा और दोनों उदाहरण के माध्यम से आपको पहले संघनन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि संघनन क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जब उत्पादक का निर्माण करते हैं तब उत्पादक में कार्बन कार्बन एवं कार्बन नाइट्रोजन के बीच नवीन यानी कि नए रासायनिक बंध का निर्माण होता है और इस दौरान सरल एवं सूक्ष्म अणु जैसे NH3, H2O, HCl इत्यादि का निष्कासन हो भी सकता है और नहीं भी। कब? इस प्रकार घटित अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको संघनन की अभिक्रिया का एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखा, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों पहला उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर एक आपके सामने है। बच्चों मैं CH3 सी डबल बॉन्डो ये मैंने लिया बच्चों एसीटोन है ना, डाइमेथिल कीटोन, इसको एक बार में अपन संक्षिप्त में एसीटोन कहते हैं। एसीटोन पर मैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करा देता हूं बच्चों CHCl3 है। बच्चों इस अभिक्रिया में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो द्विबंध है उसमें से पाईबंध टूट जाएगा, पाईबंध के टूटने से कार्बन और ऑक्सीजन की एक एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का क्लोरोफॉर्म से बंध टूटेगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु है ये ऑक्सीजन पर जबकि कार्बन का जो परमाणु है ये कार्बन से जुड़ जाएगा
और जुड़ने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, CH3 CCH3, ठीक है, इतना मेंशन किया। ये एच ऊपर आकर जुड़ा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा OH, फिर इससे जुड़ा सी जो कि ये वाला, और उस पर जुड़े हुए पहले से ही 3 Cl। तो बच्चों इस तरह से अगर आप उदाहरण में ध्यान देंगे तो जो नवीन उत्पादक बना इसमें नया जो बंध है वो कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में बना हुआ है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में ऊपर आपसे कहा था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में अभिकृत होकर क्रिया करके उत्पादक का निर्माण करते हैं, और उत्पादक में जो नवीन बंध है वो कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बनेगा, तो यहां पर अभी फिलहाल जो बंध बना वो किसके बीच में बना, कार्बन और कार्बन के बीच में बना। मतलब ये एक संघनन का उदाहरण हुआ। बच्चों ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर दो, उदाहरण नंबर दो, बच्चों मैंने क्या किया, मैंने ले लिया आपके सामने CH3 CH डबल बॉन्ड। बच्चों ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करा देता हूं, उसका फार्मूला होता है HH, फिर ये N से कनेक्ट है, उसके साथ जुड़ा होता OH। बच्चों क्या होगा, जैसे ही एल्डिहाइड, ठीक है, मेथिल एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करेगा, इसका O वाला परमाणु ये दोनों हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बच्चों ये सबसे पहले वाटर यानी कि जल का अणु जो है वो त्याग देगा, H2O निकल जाएगा। बच्चों शेष क्या होगा, ये CH वाला जो पार्ट है वो इस NOH के साथ एसोसिएट हो जाएगा और कंपाउंड मिलेगा CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड N और इसके साथ जुड़ेगा OH। बच्चों इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि यहां पर भी एक यौगिक बना हुआ है, इस यौगिक में कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में नवीन बंध जो है वो, नया बंध जो है वो रासायनिक बंध के रूप में बना हुआ है उत्पादक में। तो बच्चों इस तरह से ये अभिक्रिया कहलाती है संघनन। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी बोला है डेफिनेशन में कि संघनन की अभिक्रिया में सरल अणुओं का, है ना, जैसे जल HCl इत्यादि का पृथक्करण हो भी सकता है, निष्कासन हो सकता है, नहीं भी। तो देखिए पहली वाली अभिक्रिया में नहीं हुआ जबकि दूसरी वाली अभिक्रिया में निष्कासन हुआ है ना, जल का अणु यहाँ पे निकला हुआ है। तो बच्चों इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वास्तव में संघनन की अभिक्रिया है ये योगात्मक अभिक्रिया हो सकती है, पूर्णतः योगात्मक, जैसा कि पहले उदाहरण में आपको देखने को मिल रहा है। पूर्णतः योगात्मक मतलब दो और दो आपने जोड़ा तो चार मिलेगा, है ना, चार और चार आपने जोड़ा तो आठ मिलेगा, जिसमें कोई भी सरल अणु पृथक्कृत नहीं होगा तो अभिक्रिया योगात्मक हो जाएगी। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी घटित होंगी जिनमें सरल उपजात अणुओं का पृथक्करण या निष्कासन भी हो जाएगा, यानी कि यहां पर अभिक्रिया जो होगी वो कौन सी होगी, विलोपन की अभिक्रिया होगी, यानी यहां पर सरल अणुओं का विलोपन हो जाएगा। तो जैसे कि जल का अणु निकल गया, जल के अणु निकल जाने के बाद शेष अभिक्रिया जो होगी वो संघनन की हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो होप सो आपको संघनन की अभिक्रिया समझ में आई। बच्चों संघनन की अभिक्रिया को समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पद मैं आपके सामने लेने वाला हूं वो है एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, और उसके बारे में समझिए। अभिक्रिया है एल्डोल। एल्डोल क्या है, क्या है इसके निर्माण, इसके निर्माण का रासायनिक समीकरण। तो बच्चों मेरे पास ये प्रश्न संघनन को लेकर समझाने के लिए आपके सामने है। जैसे ही ये प्रश्न समाप्त होगा हमारे इस टॉपिक में बहुत आप समझ लें एक महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे एल्डोल क्या है। बच्चों मैं एक रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। उदाहरण के तौर पर डेफिनेशन कम से कम होगी, एग्जाम्पल पर आप ध्यान दीजिए। मैंने ले लिया बच्चों CH3 C और CH3, बच्चों डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन है तो मैंने एसीटोन ले लिया। बच्चों इसी तरह से मैं एसीटोन का एक अणु और ले लेता हूं, ठीक है, या ये पहले मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल में समझा देता हूं, पहले एल्डिहाइड में समझा देता हूं। चलिए पहले एल्डिहाइड में इसको समझ लेते हैं फिर इसको एसीटोन में समझेंगे। तो बच्चों मैं सबसे पहले एल्डिहाइड का एक अणु ले लेता हूं CH3 C और एक H डबल बॉन्ड हो, फिर प्लस एक और ले लेता हूं HC H और H और इस पर जुड़ा हुआ है CHO। तो बच्चों ये दो अणु मैंने ले लिया एल्डिहाइड के, दोनों एक ही प्रकार के अणु हैं, सिर्फ उनको लिखने का तरीका बदला हुआ है। यहां पर आप देखेंगे CH3 CHO, यहां पर आप देखेंगे CH3 CHO, सिर्फ लिखने के तरीके में अंतर है जबकि दोनों ही एक ही चीज है। बच्चों क्या होगा ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इन अणुओं को लेकर इनको अभिकृत करेंगे यहां पर बच्चों आपको उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी,
और उत्प्रेरक के रूप में आप कोई भी क्षार ले लीजिए, किसी भी क्षार की उपस्थिति में यह क्रिया हो जाएगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाईबंद है बच्चों ये टूटेगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो अल्फा हाइड्रोजन है ये यहां से निष्कासित होगा और ये ऑक्सीजन परमाणु पर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन इस कार्बन परमाणु के साथ संयोजित होकर एक उत्पादक बनाएगा और जो उत्पादक बनेगा वो आपके सामने रिटर्न कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा बच्चों CH3C, फिर इस पर एक H पहले से जुड़ा हुआ है, ये H और OH बनकर नीचे आ जाएगा बच्चों, फिर यहां पे C, इस पर दो H जुड़े हैं पहले से ही और उसी C पर आप देख रहे हैं ये CHO जुड़ा हुआ है बच्चों, जबकि यहां से H हटने की वजह से बैलेंसी फ्री हुई और यहां से तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में नया बंध बनेगा बच्चों। ये जो नया बंध कार्बन और कार्बन के बीच में बना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभिक्रिया कौन सी हुई, संघनन की हुई, तो यहां पे संघनन की अभिक्रिया हुई। ठीक है, महत्वपूर्ण ये है कि मुझसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा है एल्डोल क्या होता है, तो बच्चों इस उदाहरण को ध्यान से देखना है आपको और समझना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से क्रिया करें और वो अभिक्रिया किसकी हो, संघनन की हो, संघनन की अभिक्रिया द्वारा वो क्रिया कर रहे हो और क्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है ना, जो उत्पादक है उस उत्पादक में एल्डिहाइड और एल्कोहल या फिर एल्कोहल और कीटोन दोनों के ही क्रियात्मक समूह या गुण विद्यमान हो तो फिर ऐसे उत्पादक को हम एल्डोल के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं एल्डोल। तो बच्चों ये जो एक उत्पादक बना ये क्या कहलाता है, एल्डोल कहलाता है, क्योंकि यहां पर संघनन की अभिक्रिया से ये बन रहा है और इसमें एल्डिहाइड के साथ साथ एल्कोहल के गुण भी विद्यमान है और ये संघनन की अभिक्रिया से बन रहा है इसलिए ये एल्डोल बना और एल्डोल को बनाने के लिए जो अभिक्रिया हमने प्रयुक्त की ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कहलाएगी बच्चों एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से मैंने आज आपको संघनन और एल्डोल संघनन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है बच्चों। इस तरह की सारी अभिक्रियाएं जो आपके सामने आ रही हैं इनको आप बार बार इन वीडियोस को देखिए और इन अभिक्रियाओं को सीखने का प्रयास कीजिए, आप देखेंगे निसंदेह 2021 के एग्जाम में इन अभिक्रियाओं की पुनरावृत्ति होगी और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।